अब उस्मान कोई जुनूनी काम नहीं करेगा। जुनूनी लोग अच्छे सरदार बनते हैं, इसके बरक्स क्या हम जिरगे में इसीलिए खामोश नहीं रहे कि वो जुनूनी बन जाए? मेरे भाई, जो तकलीफ ना उठाए वो सरदार नहीं बन सकता, उसे मुश्किल हालात से गुजरना होगा। बस हमें उसे समझने की जरूरत है ताकि वो हमारी कौम के लिए उम्मीद बन सके। इंशाल्लाह, तुमने सही कहा मेरे भाई, लेकिन अगर उस्मान के साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरा दिल जल जाएगा। मैं इस वक्त देख रहा हूं। अब्दुल रहमान मेरे भाई, इन आंखों ने अब तक बहुत से गद्दारों को देखा है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। ऐसी गद्दारी ना कभी देखी और ना कभी सुनी। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद। 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 अब हम क्या करें? काई के बहादुर सरदारों, बहादुर सिपाहियों और लोगों, मुबारक हो। काई के साथ मैंने एक और झंडा लहरा दिया है जो मेरे आबाओ अजदाद और मेरे दादा सुलेमान शाह को जचता है, और आज के बाद सांजाक का सरदार भी मैं हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसे कबूल करें और फख्र करें। मेरे भाई, अर्तुल गाजी की फतह की गई जमीनों के लिए एक और एजाज लाया हूं मैं। सांजाक की सरदारी मेरे प्यारे रब की मर्जी से मेरे नसीब में आई है। इस तरह काई कबीले के लिए एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
सनजाक सरदार बनने से कबीले को बहुत फायदा होगा। हम इन सरजमीनों से और कबीले से हर किस्म के इंतजार का खात्मा करेंगे। इस मनसब के बाद हम सबको और मेहनत करनी होगी। ओ फरोख्त शुदा इंसान उस्मान, अब बहुत जल्द आकर तुम्हारी इस झूठी शान को मिट्टी में मिला देगा इंशाअल्लाह। रुक जाएं सुजन खातून, रुक जाएं, इस वक्त ऐसा नहीं करें। काई के सरदारों, इस सरहद का सांजाक सरदार होने की हैसियत से मैं तमाम सरदारान को फौरी तौर पर अपने खैमे में चाहता हूं। इस मनसब के बाद मेरी जिम्मेदारियां और मेरे फराइज बढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। चंगेज खान के कवानीन बलगाय के खेमे में हैं। हुजूर, हमारा काम इतना आसान नहीं होगा। बलगाय ने आज रात दावत में बहुत से मंगोल सरदारों को मधु किया है। वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, मंगोलों में उभर कर सामने आना चाहता है, लेकिन उसके ख्वाबों को उसके साथ ही दफन कर देंगे। अल्लाह के हुक्म से हुजूर। एहतियात से